जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस अपने YouTube चैनल क्विक स्टडी ऑनलाइन में। करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जल्द ही खबरों में रहे दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के बारे में। कंप्लीट एंड फुल इन्फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये वीडियो किसी भी एक दिवसीय तैयारी से जुड़े हुए मित्रों के लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट होगी। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर आपकी पहले विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंचती रहे, ठीक है। तो आइए क्लास के फटाफट से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हैंड रिटन नोट्स का यूज किया गया है। केवल हैंड रिटन नोट्स को देख कर आप क्लास को जज ना करें और वीडियो से पूरी तरह एक बार जरूर गो थ्रो करें, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगेगी। तो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 की बात करें, जो अभी जल्दी खबरों में बना हुआ था, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया था, तारीख 20 फरवरी 2023 को की गई थी। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ये लोगों को, मतलब जो भी व्यक्ति होते हैं सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, उन्हें प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है और ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। प्रमुख पुरस्कार एवं विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें चुनी गई थी द कश्मीर फाइल्स को, ठीक है। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और इसमें ना जो अनुपम खेर जी हैं इनको मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का खिताब दिया गया है, जानेंगे अगले कुछ आगे इसी वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट, वहीं फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में RRR यानी RRR को चुना गया था। इसके निर्देशक SS चंद्र राजमौली हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी क्लोजिव पॉइंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है, वहीं फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में RRR को चुना गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करके टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो रणबीर कपूर, ठीक है, इनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का खिताब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रणबीर कपूर और रणबीर सिंह ये दोनों अलग अलग एक्टर हैं, तो यहाँ पर रणबीर कपूर को सम्मानित किया गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को इनकी फिल्म गंगूभाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है, ठीक है ना। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो आर बाल्की अपनी फिल्म चुप के लिए बेस्ट निर्देशक का खिताब जीते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इन पा यहाँ पे मोस्ट है। जैसे कहने का मतलब, ऐसे फिल्मों के पुरस्कार जब वितरित किए जाते हैं ना, तो आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक, ये मुख्य रूप से तीन नाम जरूर याद करने चाहिए, क्योंकि जनरली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। कुछ और पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप इसको भी देख लें। तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के रूप में वरुण धवन को चुना गया है इनकी फिल्म भेड़िया के लिए। वहीं क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में विद्या बालन को चुना गया है इनकी फिल्म जलसा के लिए। और प्लेबैक सिंगरों की बात करें तो मेल कैटेगरी में सचेत टंडन को चुना गया है जर्सी फिल्म में एक सांग था माहिया मैनू, इसके लिए। वहीं फीमेल के रूप में नीति मोहन को चुना गया है गंगूभाई काठियावाड़ी फिल्म में मेरी जान जो सॉन्ग था उसके बारे में, ठीक है। तो मैं बार बार गंगूभाई काठियावाड़ा बोल रहा हूँ, ये मिस्टेक पता नहीं क्यों हो रही है। वास्तविकता नाम इसमें है गंगूभाई काठियावाड़ी, ठीक है। वहीं मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर के रूप में ऋषभ सेट्ठी को चुना गया है इसकी फिल्म कंतारा के लिए। ये एक मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर है ये। क्लास शुरू करते ही मैंने आपको बताया था कि मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के रूप में अनुपम खेर जी के द्वारा ये मतलब खिताब जीता गया है इनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अनुपम खेर जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी द बेस्ट डे इज टुडे, ठीक है, तो इसको याद रखिए। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान हेतु दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से रेखा को नवाजा गया है। और संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान हेतु दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार से हरिहरन को चुना गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये दोनों काफ़ी क्रिटिक पॉइंट है। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान हेतु रेखा को सम्मानित किया और संगीत यानी म्यूजिक
के क्षेत्र में यानी संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान हेतु हरिहरन को चुना गया है। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बात करें तो देखिए, गोविंद राज ठुंडी फाल्के के नाम पर इस फिल्म पुरस्कार का नाम रखा गया है। सिनेमा के जगत में ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, क्योंकि ठुंडी राज गोविंद, जिनको बाद में दादा साहब फाल्के के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। वास्तव में दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दादा साहब फाल्के के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये एक दूसरा पुरस्कार है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये अलग है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो इसकी पहली विजेता देविका रानी थी। ठीक है, और जल्द ही 2020 के लिए ये पुरस्कार आपने सुना था कि आशा पारेख जी को दिया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसे अभिनेता भी इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हम लोगों की दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से संबंधित चर्चा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को सपोर्ट जरूर करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये आपके ऑप्शन हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर विस्तार से जरूर लिखें। और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।